नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सानी और पीसीसी को लेके भाई बहुत बड़ा अपडेट आया है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कैसे हो रहा है इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे और आप कैसे बचेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग भाई, आपको पता है कि जब से सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान जैसी कंट्री, जैसे गल्फ कंट्री के लिए जब से पीसीसी कंपलसरी कर दिया गया है कि आप बिना पीसीसी के ऐसी कंट्रियों में नहीं जा सकते, उन सारी कंट्रियों में नहीं जा सकते हम, उस टाइम से फ्रॉड बहुत ही ज्यादा हो रहा है। उससे पहले भी होता था लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही फ्रॉड हो रहा है। कैसे हो रहा है वो चीज के ऊपर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आए दिन आपको पता है बहुत सारे एजेंट लोग हैं जो लोग आपसे डिमांड करते हैं, भाई पीसीसी अगर आपको बनवाना है तो आपको इतने हजार रुपए देने होंगे। भाई 5,000-10,000 रुपए मांगते हैं लोग, बोलते हैं हम आपको पीसीसी 2 दिन में दे देंगे, 10 दिन के अंदर दिला देंगे। भाई पीसीसी क्या तुम्हारे घर बट रहा है क्या, दिला दोगे? यहां पर आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है कि जब आपका अपॉइंटमेंट पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट 2 महीने बाद का मिल रहा है या फिर पोस्ट ऑफिस का पीसीसी वेरिफिकेशन कराने के लिए उसका अपॉइंटमेंट 15 दिन या 20 दिन बाद का मिल रहा है, तो आपका पीसीसी वो 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर कैसे दिला देंगे? कैसे ये पॉसिबल है? भाई पॉसिबल ही नहीं है। मैं बताऊं फ्रॉड कैसे कर रहे हैं। आपको बोल दिया भैया आप जो है मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आपका पीसीसी जो है आपका 5 डेज के अंदर दे दूंगा। और जैसे ही आपने उनको पैसे दे दिया आपके साथ क्या होगा मैं वो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस किया था। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब नाम नहीं बता सकता हूँ, और कई सारे एजेंट लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है, तो इसलिए मैं वो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। सपोज दैट अगर वो लोग आपके साथ फ्रॉड करेंगे, कैसे करेंगे? आपसे बोल दिया 10,000 रुपए लगेगा और 5 दिन के अंदर हम आपको पीसीसी दिला देंगे। और जिनका समझ लो कि फ्लाइट का टिकट जल्दी का रहता है, 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद का रहता है ओमान, कुवैत या सऊदी अरेबिया जाने के लिए, वो लोग सोचेंगे चलो भाई 10,000 दे देते हैं, पीसीसी एटलीस्ट हमारे पास 5-7 दिन के बाद आ तो जाएगा। भाई लेकिन उस कंडीशन में देखो वो क्या करते हैं आपके साथ, आपसे 10,000 रुपए ले लेते हैं, 1-2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, फिर आपसे उनसे बोलते हो सर हमारा पीसीसी आ गया। लेकिन एक चीज आप याद रखो भाई, पीसीसी आपका तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाते हो और खुद आपका पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस वाले नहीं आके करते हैं। तो 5 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 दिन में भी पॉसिबल नहीं है कि आपका पीसीसी बन जाए। भले ही आपने 10,000 रुपए दिया है, ये मैटर नहीं करता है कि 10,000 दिया है तो जल्दी बन जाएगा ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो वो 5 दिन जैसे बीतता है तो वो आपको बोलते हैं सर ये इश्यू है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपके एरिया में ये हो गया, या आप लगेंगे वो स्टोरी सुनाए एजेंट लोग आपको कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। फिर आपको बोलेंगे चलिए आपका अपॉइंटमेंट हमने बुक किया है 10 दिन बाद का। अब उन लोगों ने 10 दिन बोल के लिया था आपसे और 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट बुक किया, टोटल 20 दिन हो गए। तो 20 दिन ऐसे हो गए, तो 20 दिन जब ऐसे हो गए तो और बाकी का दिन मान लो कि 10 दिन बाद आपका अपॉइंटमेंट तो हो गया। देखो वो लोग जो है ना आपका अपॉइंटमेंट की बस बुक करा के दे सकते हैं, पीसीसी नहीं ला के दे सकते हैं। हाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो आपका अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उस टाइम पर जो एड्रेस डालना होगा वो आपका डालते हैं, लेकिन फिर भी भाई पीसीसी उनके पास नहीं आएगी ना। कॉमन सेंस आप यूज करो, पीसीसी आपको जो बनाती जब है ना उस टाइम पर पुलिस वेरिफिकेशन आपका खुद का होगा, और पुलिस वेरिफिकेशन अगर आपका खुद का हो रहा है तो आपका जो घर होगा वहीं पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका पीसीसी आपके पास जाएगा। तो अगर कोई भी एजेंट आपको बोल रहा है कि भाई हम आपका पीसीसी 5 दिन 10 दिन में आपको दिला देंगे तो उसके ऊपर विश्वास मत करना। फ्रॉड होने से बचो और स्मार्ट बनो, और थोड़ा सा डिले मिलेगा। देखो अगर आपको पीसीसी जल्दी चाहिए तो आप क्या करो, पीसीसी को 2 महीने पहले ही अप्लाई कर दो। जैसे 2-3 महीने बाद आपको जाना है तो 2 महीने पहले ही आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर दो और पासपोर्ट वेरिफिकेशन सब कुछ पुलिस वेरिफिकेशन कराने में 2-3 महीने में आपका पीसीसी आराम से आ जाएगा। अगर देखो अभी जब से ओमान कुवैत का ये अपडेट आया था तब से ज्यादा डिले हो रहा है, तो 15 दिन के बाद ही आ जाता था पीसीसी, 15-20 दिन महीना दिन के अंदर अंदर पीसीसी आ जाता था। लेकिन जब से ये अपडेट आया तो जितने लोग गल्फ कंट्री में रहते थे सभी लोग एक ही बार में भरना शुरू कर दिए और इसलिए बहुत ही डिले हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आपको मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले अप्लाई करो और आप जनसेवा केंद्र पर जाकर पीसीसी के लिए अप्लाई करो। किसी एजेंट को मत पकड़ो जो आपसे 5,000-10,000 रुपए की डिमांड कर रहा है, किसी की भी भाई पहुंच काम नहीं करती है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है रुक जाती है फाइल में, पहुंच काम नहीं करती है। हमारा सोरस पानी यहाँ तक ही है भाई, इससे कुछ नहीं होता है। तो आप नॉर्मली जाओ सीएससी वालों या जनसेवा केंद्र वालों के पास और उनसे बोलो भाई पीसीसी के लिए अप्लाई करना है, और पीसीसी अप्लाई करो, जो अपॉइंटमेंट डेट मिल जाए अपॉइंटमेंट का डेट ले लो और वेट करो, और फिर वेरिफिकेशन कराओ अपना पासपोर्ट ऑफिस में जाकर पीसीसी का, फिर पुलिस वेरिफिकेशन कराओ और उसके बाद आपका पीसीसी जो है आपके घर पर आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को मुझे ये बताना था कि भाई आप एजेंट लोगों के चक्कर में ना पड़ो, वो आपको 5-10 दिन के अंदर पीसीसी नहीं दे सकते। ठीक है,
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होगा कि भाई आप लोगों का जो है 5,000-10,000 का जो है फ्रॉड होने से आप बच जाओ, आप सभी लोग बच जाओ, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके आप बताओ और आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं है, या फिर आपसे बचे हो या फिर आपके दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताओ भाई, ताकि और लोग जो है इससे सावधान हो सके और उनके साथ फ्रॉड ना। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।